हेलो, हाउ आर यू? टुडेज वी हैव टू डिस्कस ए वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर क्लास 12th, दैट इज मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. एक्चुअली ये आपका डेरिवेटिव से सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है. होता बड़ा आसान है, शुरू में ज़रा सा आप थियोरिटिकल पोर्शन पढ़ोगे तो अजीबोगरीब लगेगा, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करने लगोगे तो मज़ा आएगा, क्योंकि इसमें बस दिमाग पे कॉन्सेप्ट आपका फीड कर गया है. प्रीवियस फार्मूले जरा बहुत आपको मेंसुरेशन के पता है, कौन बदल रहा है कौन नहीं बदल रहा, तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली. जैसे मैं आपसे दो तीन क्वेश्चन कहूँ, आपके बुक में एनसीईआरटी में लिखा हुआ है. जैसे एक क्वेश्चन आपका देखिए लिखा है कि अगर मान लीजिए पहले आपके बुक पे लिखा था ऐसे कि द प्रॉफिट फ्रॉम ए ग्रोव ऑफ ए ऑरेंज ट्री इज गिवन बाई पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, वेयर ए बी आर कॉन्स्टेंट, एक्स इज ए नंबर ऑफ ऑरेंज ट्री पर एकर, हाउ मेनी ट्री पर एकर विल मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. इस तरह के क्वेश्चन निकालने हैं. या दूसरा क्वेश्चन है कि मान लीजिए कोई अपाची हेलीकॉप्टर है, किसी कर्व से मूव कर रहा है, कहीं एक तो सोल्जर खड़ा है, कब जब होगा तो आप लोग को बड़ा अच्छा लगता है बंदूक बंदूक चलाना, तो कहेगा कि सोल्जर खड़ा है वो किस पॉइंट से अपाची हेलीकॉप्टर को टारगेट करे कि वो उससे मिनिमम डिस्टेंस पे हो. या ऐसे बहुत से क्वेश्चन है, मान लीजिए हमारे पास सर्किल है तो सर्किल के अंदर हम ढेर सारे रेक्टेंगल बना ले. अब कहेगा अच्छा बताओ रेक्टेंगल का एरिया सबसे ज़्यादा कब होगा, पेरीमीटर सबसे ज़्यादा क्या होगा. तो इसमें इस तरह की चीज़ों को सीखना है कि कौन वेरिएबल है कौन कॉन्स्टेंट है कौन बदलेगा कौन डिपेंडेंट है कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. लेकिन सबसे पहले जरा थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ लेते हैं, तब उसमें जाएंगे तो आपको मज़ा आने लगेगा. तो आइए सबसे पहले मैक्सिमा मिनिमा में कुछ टर्मोलॉजी आएगी. इसमें मैक्सिमा कहेगा, एब्सोल्यूट कहेगा, लोकल वर्ड कहेगा, क्रिटिकल कहेगा, ठीक है? तो छोटे छोटे टर्मोलॉजी हैं उनको जरा सा करते हैं तब आगे बढ़ते. तो सबसे पहले हम लोग जो करेंगे आपका, जैसे मैंने लिख रखा है बोर्ड पे, आप देखिए ध्यान से क्या लिखा है हमने, कि आपका चैप्टर है मैक्सिमा और मिनिमा क्लास 12th के लिए है. और ये आपका क्या है कि व्हाट इज़ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू. तो क्लास 11th में जैसे हम लोग चैप्टर फंक्शन हमने पढ़ा था, तो वहाँ भी तो रेंज निकालते थे. तो रेंज से क्या पता चलता था कि एक्स डोमेन की जगह कुछ भी लिखते जाते थे, तो उसकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी आ रही, कहाँ से कहाँ तक आ रही, सबसे कम कितनी आ रही, सबसे ज़्यादा. तो वहाँ भी एक तरह से मैक्सिमा मिनिमा ही फाइंड आउट करते थे. एक वो भी तरीका कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने का हमारा है. लेकिन यहाँ पर हम लोग क्लास 12th लेवल पे इसी चीज़ को हम लोग डेरिवेटिव के हेल्प से सॉल्व करेंगे. तो आइए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट भी सॉल्व करेंगे, कुछ डेरिवेटिव से भी सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें बेटा, कि मैंने एक ठो कर्व बनाया, मान लीजिए कि यहाँ पे y बराबर fx कोई कर्व है. ध्यान से देखिएगा तो आप देख रहे हो कि ऐसे ऐसे कर्व हो रहा है. तो हमने देखा कि यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी सबसे ज़्यादा वैल्यू यहाँ मिल रही है, सबसे कम वैल्यू यहाँ मिल रही है. तो हम देख रहे हैं यहाँ पे भी इसका क्रिस्ट है, यहाँ पे भी क्रिस्ट है, यहाँ पे भी क्रिस्ट है, नीचे हमारा टर्ब बन रहा है. ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमको सीखनी थी. ऐसे टर्ब बन रहा है हमारा, तो इससे मिलेगा क्या, सीखने को हमें मिला क्या, डिफिनेशन कैसे बनी. तो हमने देखा कि ए और बी के बीच में सबसे ज़्यादा वैल्यू इसकी आई, तो अब उस पैटर्न को ऑब्जर्व किया हमने. तो हमने ये देखा यार सी के पहले, तो हमने देखा ए और बी के बीच में जितने भी पॉइंट थे उन सभी पॉइंट में सबसे ज़्यादा वैल्यू सी पर आई हमारी. तो यहीं से हमने मैक्सिमम की डिफिनेशन बना ली. क्या डिफिनेशन होगी देखिए ध्यान से, कि लेट एफ बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन. रियल वैल्यूड फंक्शन मतलब किसी भी फंक्शन का डोमेन अगर रियल नंबर का कोई भी सबसेट होता है तो उसे रियल वैल्यूड, जैसे सबसेट ऑफ आर लिख दिया हमने. तो देन फंक्शन एफ इज सेट टू हैव ए मैक्सिमम वैल्यू इन डी, उस डोमेन डी में, कब, कि इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट एक्स बिल इज इक्वल टू सी. मतलब जैसे ए से लेके बी तक ये कोई ओपन इंटरवल था, उस ओपन इंटरवल में एक पॉइंट ऐसा सी मिला है जिस पे ए से बी के बीच में इस फंक्शन की वैल्यू सबसे ज्यादा आई है. तो हमने लिखा डी सच दैट एफ सी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू डी. अगर उस इंटरवल पे देख रहे हैं तो हमने देखा, तो हम क्या कहेंगे, तो जो नंबर एफ सी मिलेगा ना यही है. तो ये नंबर एफ सी जो होगा आपका ये कहलाएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू,
एब्सोल्यूट मतलब सबसे बड़ी या मैक्सिमम वैल्यू कब ऑफ एफ इन डी, एंड दिस पॉइंट सी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा फॉर द फंक्शन एफ एक्स। ये हो गया, तो ये देखो हमने लिखा है एंड पॉइंट सी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एफ एफ इन डी, क्लियर। अब अगर हम आपसे इसी से दूसरी वाली डिफिनेशन आपसे पूछ ले कि अच्छा बताओ भाई कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा तो ये हो गया, तो एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होगा, तो आप इस ग्राफ को देखो ध्यान से, आप देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक का जो भी कर रहे हैं, तब सीधे डिफिनेशन पे आएंगे और इसी से हम लोग पूरी डिफिनेशन को बना देंगे। तो हम देख रहे हैं कि इन सब में सबसे कम वैल्यू यहाँ पे आई है, तो अगर हमने यहाँ पे इस पॉइंट को डी ले लिया अगर, तो यहाँ सी है तो यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा वो हमारा एफ सी होगा बेटा, ये पूरा जब ऐसे टेंजेंट ड्रा करोगे ऐसे तो ये हमारा एफ सी आ जाएगा, और यहाँ पे अगर आप डी ले रहे हो तो जब आप ऐसे ऐसे करोगे यहाँ पे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा एफ डी हो जाएगा, तो यहाँ पे एफ डी आ जाएगा हमारा, ठीक। तो अब आप डिफिनेशन कैसे बनाओगे इसकी मिनिमम वाली, तो सिंपली क्या करोगे कि जब आप डिफिनेशन को बनाओगे तो ये लिखोगे एफ इज सेट टू बी हैव ए मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू इन डी इफ, बाय डेफिनेशन तो आपको वैसे इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट एक्स इज इक्वल टू डी इन कैपिटल डी, दैट इज इन विच फंक्शन एफ एक्स जिस इंटरवल पे डिफाइन कर रहे इन डी, सच दैट क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू आ रही थी तो अब जो होगा हमारा एफ डी जो होगा वो उस पूरी वैल्यू में सबसे छोटी आ जाएगी फॉर ऑल, बस ऐसे आपको लिखना फॉर ऑल, क्या लिखेंगे हम लोग एक्स बिलोंग टू कैपिटल डी, तो देन नंबर जो भी नंबर होगा क्योंकि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आएगी, देन नंबर एफ डी इज कॉल्ड, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ इन डी एंड द पॉइंट डी इज कॉल्ड, उसको क्या कहेंगे हम लोग, पॉइंट ऑफ मिनिमा, बस सिंपल ऐसे हो गया हमारा। तो इसके बाद और कुछ आगे देखते हैं हम लोग, अभी देखो हमें इसमें कई चीज़ें मैंने सर लोकल मैक्सिमा क्या है, लोकल मिनिमा सब बताना है इसी में, तो इसी सब कुछ इसी में है। तो आपने क्या देखा, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने ध्यान से देखिए क्या देखा इसमें, कि जिस पॉइंट पे जैसे हम देख रहे थे यहाँ पे मैक्सिमा आ रहा था, तो हमने देखा यार कि इसके जरा सा पहले और जरा सा बाद में, तो इसके पहले ये फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग था, इसके बाद में फंक्शन, तो जब जब क्रिस्ट ऊपर आया है तो यहाँ पे फंक्शन एफ डैश एक्स जे ग्रेटर देन जीरो था, यहाँ पे लेस देन जीरो था, यहाँ की बात करिए तो यहाँ पे जीरो से ऐसे यहाँ पे पॉजिटिव था, इसके बाद नेगेटिव था, इसी तरह से इस पॉइंट पे भी हम लोग डिस्कस कर सकते थे, लेकिन जिस पे मिनिमम आ रहा था हमारा, यहाँ मिनिमम आ रहा था तो उस पॉइंट के पहले जो भी पॉइंट हमारे होंगे यहाँ जो निकाला, तो उसके पहले स्लोप हमारा नेगेटिव है बाद में पॉजिटिव है, तो इसी से हम लोग को एक डिफिनेशन भी मिलने लगे कि कैसे हम लोग टेस्ट करके पता कर रहे हैं। तो इस पैटर्न में सब कुछ लिखने लगा कि जब कई जब एग्जांपल सॉल्व करेंगे हम लोग तो हम कहेंगे कि जब भी जिस पॉइंट पे मैक्सिमम आ रहा था उस पॉइंट पे पहला तो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। अभी एक और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि या तो वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा और नहीं तो उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जब भी वैल्यू मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू मिलेगी तो दो कंडीशन हमेशा दिमाग पे रखना हम लोग को, जब भी मिलेगा या तो टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा या तो उस पॉइंट पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तब हम मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह मिनिमम का केस हमारा आ गया।
ठीक, ये दो डिफिनेशन हमारी बन गई। तो हमने पहले डिफिनेशन बता दी कि जिसी को एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट मिनिमा कैसे कहते हैं, तो जो भी इंटरवल होगा उस इंटरवल में सबसे बड़ा और सबसे छोटा। ठीक, आइए इस पे कुछ एग्जांपल देखते हैं, तब फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें एक फिर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा को क्लियर करते हैं आपसे, लेकिन इस पे पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताते हैं कि कैसे हम लोग मिनिमा और मैक्सिमा वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। देखिए, अब क्वेश्चन ये है बेटा कि जैसे अभी हम लोगों ने निकाला है कि मैक्सिमा मिनिमा तो आपने घर गया देखा, तो किसी भी इंटरवल पे कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा मिलेगा। मैक्सिमा मिनिमा पर्टिकुलर इंटरवल पे कई बार मिल सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होगा कि मिनिमम जो होगा वो मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा होने लगेगी, ऐसी भी सिचुएशन कई बार आएगी हमारे पास। जैसे मान लो इस क्वेश्चन की बात करते हैं कि आपसे कह रहा है कि फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इन द इंटरवल -π to 3π/2। तो हम इसको कई तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम बेसिक वाले मेथड से लगाते हैं, जो हमने बेसिक मेथड पढ़ा है कि अगर हम fx = sin x का ग्राफ -π से 3π/2 के बीच में ग्राफ बनाएं, तो आपको याद होगा, देखो ग्राफ बनाने के लिए तो हम इसकी हेल्प लेते थे हमेशा। ऐसे सिंपली क्या करते थे हम लोग, ऐसे बस सिंपल एक सर्किल बना लेते थे, ये 1,0 और इट इज़ ए 0,1, इट इज़ ए -1,0 एंड इट इज़ ए 0,-1। ये 0, यहाँ पे ये 0 डिग्री, इट इज़ ए π/2, इट इज़ ए π, इट इज़ ए 3π/2 एंड देन 2π। तो हमें -π से 3π/2 के बीच में ग्राफ प्लाट करना है। तो जब -π से 3π/2 के बीच का ग्राफ प्लाट करेंगे तो आपको याद होगा, जनरली ग्राफ आपको आता भी है ऐसे, फिर भी देखिए यहाँ पे हमने क्या कर दिया कि यहाँ पे लिख दिया π/2, फिर इसके बाद पाई, फिर ये 3π/2 एंड देन 2π। इधर आ गया हमारा -π/2 एंड देन इट इज़ अ -π। फिर आपको पता है साइन फंक्शन का डोमेन तो रियल नंबर होता है, लेकिन यहाँ पे हमें इसी के बीच में ग्राफ बनाना है। लेकिन जो इसका रेंज जो होता है ना, आपका रेंज आप इसके बीच में जब करोगे तब भी -1 से +1 के बीच में ही आएगा। तो अगर हम बनाते हैं तो सबसे पहले ये हमारी ओरिजिन हो गई, दिस इज़ आवर एक्स एक्सिस, और sin 0 0 होता। फिर क्या करेंगे, जब भी ग्राफ बनाते हैं हम लोग तो ऐसे एक लाइन खींच लेते थे, इट इज़ अ y = 1 एंड इट इज़ अ y = -1। sin 0 0, sin 90 हमारा 1 होता था, तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे मिल गए π/2,0। sin 180 0 होता था, और 270 हमारा ऐसे -1 आता था, 360। तो हम क्या करें, अगर हल्के हाथ से ऐसे ग्राफ बनाते हैं इस तरह से करके, ऐसे ये चीज देखिए ध्यान से, तो आपका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। तो ग्राफ देखे तो आप बता दोगे कि -π से 3π, इन दोनों के बीच में मैंने बताया कि जब भी क्रिस्ट जो होगा वहां पे हमारा क्या होगा, मैक्सिमा होगा, और टर्फ होगा तो मिनिमा होगा। यहाँ पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल रहा है, तो यहाँ पे तो आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, और -π से इसके बीच में कब आपकी मिनिमम वैल्यू आ रही, कब टेंजेंट हमारे एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, वो भी हमें पता करना है। तो हम कैसे पता करेंगे -π से 3π/2 के बीच में, ये देखिए यहाँ पे क्लोज इंटरवल दिया था, तो यहाँ पे -π भी लेंगे, क्लोज है तो इसको भी ले लेंगे, इसको भी ले लेंगे। तो इन दोनों के अलावा अब हम कैसे पता करेंगे किस पे मैक्सिमम आ रहा है और किस पे इसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू आ रही है, मिनिमम कितनी आ रही है ये भी पता करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल, यहाँ पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इन पूरी वैल्यू को आप फाइंड आउट कैसे करोगे, इसको जरा ध्यान से देखिए। देखो तो आपने क्या देखा, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो हमने ये देखा कि यहां पे देखो, एट फ्रॉम द ग्राफ, फ्रॉम ग्राफ हमने ये देखा है कि इस वाले पॉइंट पे एट, इसका अगर हम नाम दे देते हैं, इसको सी कर देते हैं, तो एट सी इज इक्वल टू π/2, एट सी इज इक्वल टू π/2 fx अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू को ये अटेन कर रहा है, और वो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हमारी है, तो अगर आप इस फंक्शन fx में ऐसे लिख देते तो π/2 इज इक्वल टू
साइन पाई बाई टू और साइन 90 हमारा 1 होता है। तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। एंड अगर आप पॉइंट डी की बात करते हो तो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इन दोनों पे टेंजेंट हमारा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, लेकिन यहाँ पे आ रहा है। तो और डी जो है हमारा, एंड डी इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू और 3π/2, ये दोनों पॉइंट हैं एट विच एफ एक्स अटेन इट्स मिनिमम वैल्यू। और मिनिमम वैल्यू कितनी आपकी है, एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स जो आपका है, एक वैल्यू आएगी माइनस पाई बाई टू, तो ये आप आ जाएगा साइन माइनस पाई बाई टू, साइन माइनस 90 माइनस 1 होता है। और दूसरी वैल्यू होगी माइनस 3π/2 और साइन माइनस 3π/2, ये भी हम अगर इसके अगर सॉरी प्लस 3π/2 की बात करें तो साइन 270 भी माइनस 1 होता है। तो हमने क्या देखा कि माइनस पाई से प्लस 3π, क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल था तो यहीं तक के हमें मतलब इसके ऐसे था यहाँ से, तो माइनस पाई से प्लस पाई के बीच में इस पे मैक्सिमम आया और इन दोनों पॉइंट पे इसकी वैल्यू मिनिमम आ गई। अब यहाँ पे एब्सोल्यूट वर्ड नहीं आ रहा है, यहाँ सबसे बड़ा प्लस 1 आ रहा है और सबसे छोटा अगर फंक्शन यहाँ जीरो भी माइनस 1 आ रहा है, क्योंकि जीरो तो बीच में आ जाएगा, तो सबसे इसमें आ गया, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा या एब्सोल्यूट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। भाई ये कुछ और क्वेश्चन लगाते हैं जिससे और छोटा छोटा आपका डाउट क्लियर होने लगेगा। देखिए नेक्स्ट जो आपका है, अगर आप इस क्वेश्चन की बात करिए, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें चेक करना है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। जैसा हम लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, तो अगर आप इस फंक्शन को ध्यान से देखो तो इसका फंक्शन का डोमेन तो रियल नंबर होता है, और इसका रेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपने पढ़ा होगा कि सिंस वी नो दैट एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, आवर एक्स स्क्वायर इज नथिंग बट इट इज अवर फंक्शन एफ एक्स, यही हमारा फंक्शन है ऐसे। तो हमने क्या देखा कि इस फंक्शन का रेंज जो आ रहा है वो जीरो से लेके इन्फिनिटी आ गया। तो जब जीरो से लेके इन्फिनिटी आ गया तो ये तो इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है, लेकिन इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो नॉट डिफाइंड है, डिफाइंड ही नहीं है, इट इज़ नॉट डिफाइंड। ये मिनिमम वैल्यू कब आ रही है कि जब x बराबर 0। तो बहुत से क्वेश्चन हमारे हम बिना डेरिवेटिव के सॉल्व कर लेते हैं। अगर आप इसका ग्राफ बनाते तो इसका ग्राफ कैसे आता, ध्यान से देखिए, ये ग्राफ हमारा पैराबोला का ऐसे आता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो ये इसका ग्राफ जो होता है वाई एक्सिस के दोनों तरफ सिमेट्रिक होता है। हमें बताया ना कि आप जब ये सब टेंजेंट नॉर्मल इंक्रीजिंग देखिए मैक्सिमम में, तो ग्राफ बनाने आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। इतना गया तो हमने क्या देखा कि जीरो है हमारा है, तो जब टेंजेंट हम एक्स बराबर जीरो पे कर रहे हैं तो ये इसके पैरेलल आ रहा है। इसके पहले अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है, dy upon dx हमारा नेगेटिव है, यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, और अगर इसके बाद कोई पॉइंट ले लेंगे तो इसका स्लोप पॉजिटिव आएगा। तो हम डेरिवेटिव वाला भी धीरे धीरे जोड़ते जा रहे हैं। तो ये चीज़ हमने देखा कि जो भी हमारा इंटरवल है माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी के बीच में, उस पूरे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में सिर्फ एक्स बराबर जीरो ही ऐसी वैल्यू है जिसपे इस वैल्यू की सबसे कम वैल्यू आ रही है। तो इसकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू तो जीरो आ गई और इसका एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू डिफाइंड नहीं। इसके बाद इस क्वेश्चन नंबर को थर्ड को देखते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो देखो, जब भी कोई क्वेश्चन हमारा बिना डेरिवेटिव का, डेरिवेटिव से तो हम कर ही लेंगे, जब भी कोई क्वेश्चन क्वाड्रेटिक का होता है तो उसका रेंज निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे, या तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते थे, नहीं तो इसी को परफेक्ट स्क्वायर में बदल करके हम इसका रेंज पता कर सकते हैं। तो इसका डोमेन कितना होगा, आपको पता है डोमेन तो रियल नंबर होगा सिंस इट इज़ अ पॉलीनोमियल। लेकिन अगर हम इसका रेंज निकालना चाहते हैं तो हम रेंज कैसे निकालेंगे, आप जरा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। हमने माइनस कॉमन ले लिया इसे, और टू मेक दिस परफेक्ट स्क्वायर आपने पढ़ा है इट इज़ एक्स स्क्वायर, एक्स का कोफिशियंट माइनस टू, माइनस वन का हाफ माइनस वन हो जाएगा। तो माइनस वन का होल स्क्वायर जोड़ करके उतना ही घटा दे, इस पर कोई फर्क
नहीं पढ़ने वाला है, और ये आपका इतना पोर्शन जो है दिस इज़ अ होल स्क्वायर ऑफ दिस वन और माइनस वन। और जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये हो जाएगा वन माइनस ऐसे एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। तो हमने क्या किया, इस एफ एक्स को इस तरह से ब्रेक कर लिया। अब इसी की हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी या मिनिमम आएगी। तो आप वही लिखोगे कि सिंस वी नो दैट एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर। अगर यहाँ वन लिखते तब तो जीरो आता, अदरवाइज जीरो से बड़ा ही आएगा। और एक्चुअली हमें ये फंक्शन बनाना था, तो हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अगर हम इसमें वन जोड़ देते हैं ऐसे तो यहाँ पे वन आ जाएगा, और ये हमारा एफ एक्स है, यहाँ पे हमारा एफ एक्स आ गया। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, ऐसे मिल गया। तो इसका रेंज कितना आ गया, तो इसका रेंज आ जा रहा है हमारा ऐसे। तो हमने क्या ध्यान से देखा कि देखो इधर जो लिखते हैं वो मिनिमम वैल्यू होती है और इधर ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू। तो बिना डेरिवेटिव के ही हमने बता दिया कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू जो होगी वो तो डिफाइंड नहीं होगी, ये क्या है, दिस इज ए एन डी नॉट डिफाइंड, बट इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है वन आ रही है। ये वन कब आएगी, तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो ये वन तभी आएगा कि जब ये पोर्शन जीरो हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी वन आ रही है कब, जब x इज इक्वल टू वन होगा। अगर आप इस फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करना चाहते हो तो पैराबोला का ग्राफ बनाओगे, तो इसका ग्राफ कैसे आता है आपको शायद याद होगा कि जब भी आप इसका ग्राफ बनाओगे तो यहाँ से x इज इक्वल टू वन हमारी सिमेट्रिक लाइन हो, क्योंकि x बराबर जीरो y बराबर जीरो, ऐसे ही होगा इसका ग्राफ ऐसे यहाँ से। तो आप देखिए इसकी ये यहाँ पे ये हमारा बना गया। तो जो भी है ये हमने बिना डेरिवेशन के अभी किया है, अब धीरे धीरे करके वहाँ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इसमें कि आखिर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या होता है, लोकल वर्ड का मतलब क्या है। आइए देखा, जैसे हमने बताया ग्राफ बना रहे थे हम लोग, तो कई पॉइंट होते हैं जिन पर मैक्सिमम मैक्सिमम होता है। तो किसी पॉइंट के इर्द गिर्द अगर छोटे छोटे इंटरवल ले करके हम लोग उन इंटरवल पे चेक करें, अगर उन इंटरवल पे उसकी वैल्यू मैक्सिमम आ रही है तो लोकल मैक्सिमा कहेंगे, उस पर्टिकुलर इंटरवल पे मिनिमम आ रही है तो उसे लोकल मिनिमा का नाम देते हैं। आइए हम आप बताते हैं उनको कैसे क्लियर करते हैं। देखिए अब बारी आती है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। तो हमने कहा लोकल वर्ड जो बताया शुरू में बताया था ना कि लोकल का मतलब ये होता है कि ऐसे मान लो ग्राफ बना लिया हमने अगर ऐसे, तो हम यह देख रहे हैं इस ग्राफ में कई बार कि यहाँ से लेके अगर मान लीजिए इसका ग्राफ यहाँ से यहाँ तक डोमेन के बीच में प्लॉट कर रहे हैं, तो कई बार ग्राफ में क्रिस्ट आ रहा है, कई बार टर्फ आ रहा है। तो जहाँ जहाँ पर क्रिस्ट आता है वहाँ पर मैक्सिमा होता है, तो यहाँ पे भी मैक्सिमा हो रहा है, यहाँ पे भी मैक्सिमा हो रहा है, यहाँ पे भी मैक्सिमा हो रहा है, यहाँ पे मिनिमा हो रहा है, यहाँ पे मिनिमा हो रहा है, यहाँ पे मिनिमा हो रहा है। तो अब लोकल वर्ड कब इस्तेमाल करेंगे, लोकल जो वर्ड हमारा है, तो लोकल का मतलब ये कि अगर हम क्या करें, जैसे वाला ये पॉइंट है तो हम इस पॉइंट के ज़रा सा पहले और ज़रा सा बाद में अगर हम डिसाइड करते तो इस पॉइंट के ज़रा सा पहले और ज़रा सा बाद में लेते हम लोग, तो C माइनस एच इधर ले लेते, C प्लस एच इधर लेते, तो हम देखते कि इस वाले पॉइंट C पे चाहे C माइनस एच हो चाहे C प्लस एच हो, एफ सी की वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगी। इसी तरह से अगर इसको C बनाते हम लोग तो इस पॉइंट के ज़रा सा पहले, इस पॉइंट के ज़रा सा बाद में दो पॉइंट लेते तो ये एफ सी जो होता इससे या इसके बाद वाले वैल्यू से हमेशा ज़्यादा होता। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के जो लोकल वर्ड होता पर्टिकुलर, जैसे इस इंटरवल पे, इस इंटरवल पे, इस इंटरवल पे, इस इंटरवल, तो छोटे छोटे इंटरवल के बीच में हम लोग जब कर लेते हैं उसी को लोकल का इस्तेमाल कहते हैं। तो जैसे डेफिनेशन बनाना है तो डेफिनेशन हमारी सिंपल, जैसे पहले लिखा था हमने कि लेट एफ हमारा कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है, डिफाइन ऑन डी सबसेट ऑफ रियल नंबर है। तो हम एफ को कब कहेंगे, एफ इज सेट टू हैव है ए लोकल और रिलेटिव मैक्सिमा एट एक्स इज इक्वल टू सी इन द डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन। तो क्या होगा,
इफ देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर एच सच दैट एफ सी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू, मतलब यही हमारा है कि एक्चुअली हम क्या करें, इसके डोमेन में से कोई एक पॉइंट सी ले लिया हमने, जैसे मान लो इसको सी बना लिया, तो हम यहाँ जैसे चलते हैं तो यहाँ पे सी माइनस एच आता और यहाँ पे हमारा सी प्लस एच आता। हम देख रहे हैं कि सी कि जरा से पहले और जरा से बाद में वैल्यू निकालते तो एफ सी की वैल्यू एफ सी माइनस एच से भी ज़्यादा होती और एफ सी की वैल्यू सी प्लस एस से भी ज़्यादा होती। तो इसका मतलब यही हमारा है, एफ सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू। तो हमने इंटरवल पे लिया उस पॉइंट जिसके उसके लेफ्ट नेबरहुड हो राइट नेबरहुड पे देखा तो ऐसे आने लगा, तो ये हम कहेंगे तो देन सी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब अगर हम इसी को डी के लिए डिफाइन करना चाहते हैं तो जब डी के लिए डिफाइन करेंगे तो हम क्या करेंगे, सेम डिफिनेशन उठाएंगे, बस यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हमने बना लिया सेकेंड वाले पे। F is said to have local or relative, यहाँ पे हमने कर दिया इसको मिनिमा और यहाँ पे कर दिया at x is equal to d in the domain of function if and only if there exists a positive real number h such that, यहाँ पे हम c की जगह लिख देते हैं d greater than or equal to, यहाँ पे क्या होगा एफ सी की वैल्यू अब उल्टा हो जाएगी, यहाँ पे ये वैल्यू हमेशा छोटी आएगी फॉर ऑल। अब जो पॉइंट डी है तो मान लीजिए यहाँ पे हमने डी ले लिया, अगर तो अगर डी है तो हम क्या करेंगे कि डी के जरा सा पहले या डी से जरा सा बाद में लेंगे, तो डी से जरा सा पहले लेंगे तो डी माइनस एच लेंगे, डी के जरा सा बाद में लेंगे तो डी प्लस एच लिखेंगे। और आपको इस ग्राफ से ही दिख रहा है यार कि अगर आप दो पॉइंट ले रहे हैं वैसे तो हम देख रहे हैं कि ये d है, यहाँ पे d माइनस एच है, यहाँ पे d प्लस एच है, एफ डी की वैल्यू उन दोनों में सबसे कम आ रही है, तो इसका मतलब यही होता है, हैं? तो यहाँ पे हमने c माइनस की जगह d लिख दिया, d माइनस एच और ये d प्लस एच, तो c की जगह लिख देंगे d इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा की जगह हम लिख देंगे मिनिमा। बस ऐसे खाली लिखने की आदत तो डालनी पड़ेगी एंड क्वेश्चन लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पे लिख देंगे दिस एफ डी इज कॉल्ड लोकल मिनिमम, ऐसे हो जाएगा लोकल मिनिमम वैल्यू। इसके बाद इसमें एक पॉइंट और वर्ड आएगा हमारा, इसमें तीसरा पॉइंट जो होगा एक वर्ड आएगा एक्सट्रीम वैल्यू क्या होती है, या एक्सट्रीम पॉइंट एक वर्ड आता है कि व्हाट इज एक्सट्रीम पॉइंट, क्या होता है एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट आप किसे कहोगे। तो एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब ये होता है कि अगर इसके डोमेन में कोई ऐसा पॉइंट हो या तो उस पर मैक्सिमम वैल्यू मिले या तो उस पर मिनिमम वैल्यू मिले तो उसी पॉइंट को हम लोग एक्सट्रीम पॉइंट कहते हैं। एक्सट्रीम पॉइंट इज ए पॉइंट इन द डोमेन ऑफ गिवन फंक्शन एट विच द फंक्शन इज आइदर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होगी। अब मेन क्वेश्चन ये होता है कि हम मैक्सिमम और मिनिमम, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम को कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए हम लोग को दो मेथड पढ़ने हैं। एक हमने पढ़ना है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट और दूसरा पढ़ना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो सबसे पहले हम लोग अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की बात करें तो आपको प्रूफ नहीं करना है, आपको सिंपल जानना है। तो यहाँ तो वो ऐसे ही नज़र आ रहा, देखो ना ध्यान से, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या है कि जिस पॉइंट पे टेंजेंट हमें, जिस पॉइंट पे मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू मिली है उस पॉइंट पे टेंजेंट या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा एफ डैश सी जीरो होगा या तो उस पॉइंट पे वो फंक्शन डिफरेंशिएबल, दो पॉइंट हमेशा दिमाग पे रखना है। तो अगर हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, कैसे करते हैं, आइए दिखाते हैं। जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट होता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, पूरे तीन स्टेप में क्वेश्चन को बांट लेते हैं। तीन स्टेप में होता है कि आपको क्या करना है, आपका एम क्या है, आपको किसी फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग मान लेते हैं कि लेट पहले वो हमारा वाई बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है, पहला स्टेप। डेरिवेटिव है तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो दूसरे स्टेप में इसको डिफरेंशिएट कर देंगे,
जब आप इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो उसके बाद क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करने के बाद उसको जीरो से इक्वेट कर दोगे। जब जीरो से इक्वेट करोगे तो एफ डैश एक्स का मतलब होता है कि वो कौन से पॉइंट हैं जिन पे टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एक्स की कुछ वैल्यू, मान ली दो वैल्यू मिल गई, जैसे एक्स सी वन मिल गया, एक्स सी टू मिल गया, या हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे बना लिया यार, मान लीजिए कि यहाँ पे हमने एक सी निकाल लिया और एक डी निकाल लिया, एक सी मिल गया और एक डी मिल गया। तो अगर आप ध्यान से देखो सी पर, तो अगर ये हमारा सी था तो हम क्या करेंगे, ये एस सी इज इक्वल टू डी एंड सी इज इक्वल टू डी आर, दीज आर द पॉइंट्स, कैंडिडेट लिखेंगे, पॉइंट्स लिखेंगे जो भी है ना। तो ये दो पॉइंट होते हैं, इन्हीं पॉइंट पे हमें चेक करना है कि वो फंक्शन हमारा मैक्सिमम है कि मिनिमम है। तो जब फर्स्ट ऑर्डर टेस्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, जब एक्स बराबर सी पे चेक करेंगे तो अगर सी के ठीक पहले, अगर सी के ठीक पहले अगर एफ डैश एक्स पॉजिटिव आ जाए और सी के बाद अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव आ जाए, मतलब अगर एफ डैश सी पॉइंट, अगर किसी पॉइंट पे पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, तो वो पॉइंट हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव होगा हमारा, तो उस पॉइंट पे क्या होगा ठीक, और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, ध्यान से देखिए आप। तो इस पॉइंट पे हमारा मैक्सिमम आया था, तो यहाँ पे हमारा ये डी वाई अपॉन डी एक्स जो होगा ग्रेटर देन जीरो होगा, लेकिन इसके बाद के पॉइंट पे ये डी वाई अपॉन डी एक्स हमारा लेस देन जीरो होगा, जबकि ये पॉइंट मैक्सिमा था। तो हमने क्या देखा कि अगर सी पे सी के पहले पॉजिटिव आ जाए और बाद में नेगेटिव आ जाए, तो हम देख रहे हैं सी के ठीक पहले ले रहे तो पॉजिटिव आ रहा है, बाद में नेगेटिव आ रहा है, तो सी जो होगा हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। फिर क्या करेंगे, इस एक्स बराबर सी को उस फंक्शन में लिख देंगे तो उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप इस डी की बात करते हो तो मिनिमम की बात करें, तो अगर हम जरा सा पहले लेते तो यहाँ पे एफ डैश एक्स हमारा लेस देन जीरो होता है और बाद में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है। तो हमने क्या देखा था यहाँ पे कि डी पे था, तो डी पे देखा था कि उसके पहले नेगेटिव था बाद में पॉजिटिव था, तो एफ डैश जो साइन हमारा था, तो एट सी पर, एट एक्स इज इक्वल टू सी पर एफ डैश एक्स चेंज साइन, चेंज साइन है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन एक कंडीशन ध्यान रखनी है कि सी की वैल्यू जरा से कम पहले लेते हैं फिर बाद में लेते, तो स्लाइटली लेस पे पॉजिटिव आया, स्लाइटली ग्रेटर पे नेगेटिव आया है। तो अगर ऐसा है एफ डैश चेंज साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो देन एक्स इज इक्वल टू सी इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। तो उल्टा हो रहा, देखो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है। और फिर अगर हम कहें कि एफ डैश जो है, अगर हमारा इफ एफ डैश एक्स चेंज साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो देन हमने ये देखा है कि इस डी पे, तो एक्स इज इक्वल टू डी जो हमारा है इज ए पॉइंट ऑफ, आप कह सकते हो लोकल मिनिमा होगा। तो इस तरह से